नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा थार रॉक्स। महिंद्रा थार रॉक्स का आप MX5 वेरिएंट देख रहे हो, ऑटोमेटिक के अंदर 4x2 में, बंट सियाना कलर है। 18,49,000 एक्सशोरूम प्राइस आ जाते हैं इस गाड़ी के। ऑन रोड की बात करूं तो 21,30,000 ऑन रोड प्राइस आते हैं हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। जो एक्सशोरूम है वो मोस्टली पैन इंडिया आपको सेम ही मिलेंगे। ऑन रोड डिपेंड करते हैं, स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी भी वेरी करते हैं कि कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो और कौन से सिटी से। ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बाकी एक्स शोरूम आपको पैन इंडिया सेम ही मिल जाते हैं। 18,49,000 एक्स शोरूम है ऑन रोड हरियाणा फरीदाबाद, 21,30,000 है डीजल के अंदर, 4x2 ऑटोमेटिक MX5। अब बात कर लें फीचर्स की, इस प्राइस सेगमेंट पे फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं हमें। यहाँ आपको रेन सेंसरिंग वाइपर्स दिए गए हैं विद टू वॉशर, विंडशील्ड पे सेंसर पॉइंट किया गया है, व्हाइट इंटीरियर है, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा, बाकी व्हाइट कलर बन सियाना के साथ लग काफी अच्छा रहा इंटीरियर इसका, इस कलर के साथ पर्सनली बताऊं तो। यहाँ महिंद्रा का लोगो है जो कि कुछ गुदा हुआ है। यहाँ आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी, TRLs मिल जाते हैं, ऑटो LED हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे इसमें, सिंगल प्रोजेक्टर है लो बीम हाई बीम के लिए। यहाँ DRLs दिए गए, यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे फॉग लैंप्स दिए गए, ये भी आपको रिफ्लेक्टर बेस मिलेंगे बट ये LED मिलेंगे। ऊपर हेडलैम्प पे प्रोजेक्टर है LED बेस, यहाँ रिफ्लेक्टर बेस LED फॉग लैंप्स दिए गए। दो पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं। यहाँ कुछ कुछ ग्रे ट्रीटमेंट है इस जगह पे, बोनट खोलने के लिए हुक्स वगैरह दिए हुए हैं, बाकी गाड़ी का फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हैं। MX5 में, AX5 लग्जरी में, दोनों में ही मुझे अलॉय काफी अच्छे लगते हैं इस सेगमेंट पे आके। अलॉय डिजाइन काफी अच्छा लगता है प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। महिंद्रा का लोगो, टायर की बात करूं 255/65/65/65/18 का टायर साइज है। फ्रंट डिस्क है, यहाँ इंडिकेटर प्लेस किया गया है थार रॉक्स की बैजिंग। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिलेंगे, रिएक्टेबल अंदर नहीं दिए हुए, लॉक के साथ देख लेते हैं। नहीं, लॉक के साथ भी कोई फीचर नहीं है, फोल्ड एंड फोल्ड आपको मैनुअली करने होंगे। ये फुटरेस्ट है, कुछ इसमें एसेसरीज लगी हुई है जैसे डोर वॉइजर्स हैं, कर्टन है, ये सारे एसेसरीज के पार्ट है। डोर हैंडल ब्लैक मिलेगा चाबी की जगह, ये बॉडी कलर मिलेगा जो पैसेंजर वाला डोर हैंडल है, ये बॉडी कलर दिया गया है। बाकी पूरा आपको रग फील ही मिलेगा जैसे इसके डोर कनेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें। क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास मिलेगा, हालांकि 5-सीटर है बट यहाँ का ईस्टर्स बनाए हुए हैं, एक कैमल है, थार है जो कि ऊपर कुछ चढ़ रही है रेगिस्तान टाइप में, और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। बाकी क्लैडिंग काफी चौड़ा पार दिया गया, जो व्हील आर्च है वो यहाँ तक, और व्हील बेस भी इसका अच्छा है, और व्हील आर्च भी पूरा कवर करके यहाँ क्लैडिंग दी गई है। ऊपर सनरूफ दिया गया है, इसमें सिंगल सनरूफ मिलेगा, वो अंदर दिखाऊंगा, काफी ऊंची गाड़ी है। वहीं रियल लुक चेक करोगे तो LED बेस्ड टेल लैंप्स दिए गए हैं इसमें, यहाँ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ स्टॉप लैंप है बीच में, और रिवर्स लाइट भी इसी के अंदर दी गई है। थार रॉक्स की बैजिंग, रिवर्स कैमरा इस जगह पे मिलता है, जो स्पेयर व्हील है वो स्टील रिम मिलेगा, उसमें अलॉय नहीं दिया गया। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है, यहाँ डोर हैंडल दिया हुआ है खोलने के लिए, और दो सेंसर्स पॉइंट किए गए नंबर प्लेट की जगह, और दो ही रिफ्लेक्टर्स दिए गए। यहाँ आपको डीजल पॉइंट मिल जाएगा, फ्यूल लेड ये अंदर से ओपन होगा, एक बार दिखा देता हूँ इसे खोल के, तो गाड़ी पहले अनलॉक करनी होगी, तो यहाँ इसे कर लेते हैं अनलॉक, और यहाँ से आपका फ्यूल लेड ओपन होगा। फ्यूल लेड ओपन करने के बाद जो डीजल है यहाँ से आपका फिलअप होगा, और ये DEF के लिए जगह दी हुई है, डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल के लिए। इस साइड भी ईस्टर्स बने हुए हैं, यहाँ कैमल है, और ऊपर थार रॉक्स चढ़ रही है, और प्रॉपर थार रॉक्स बनाई हुई है, देखिए ईस्टर में पीछे क्वार्टर पैनल वाला गिलास जो डिजाइन मिलता है सेम वही उसी तरीके से दिया गया है। इस साइड कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं दी हुई, यहाँ एंटीना दिया हुआ है, ORVM पे भी थार की बैजिंग दी हुई है। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर, अब इंटीरियर की तरफ चले तो उससे पहले की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की मिलेगी, महिंद्रा का लोगो, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। इंजन में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा बट फिर भी फ्लिप की प्रोवाइड कराई जाती है इमरजेंसी के लिए, डोर वगैरह ओपन करने के लिए, और यहाँ से आप अपना थार रॉक्स देख सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ थार रॉक्स MX5 ऑटोमेटिक 4x2 की ड्राइवर सीट पे। यहाँ से ड्राइवर फ्रंट भी देख लीजिए गाड़ी का,
किस तरह का ड्राइवर फ्रंट हमें मिल जाता है। यहाँ स्टेयरिंग देखेंगे, स्टेयरिंग पे लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, थ्री स्पोक में स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्टेयरिंग यहाँ पे टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर, सिर्फ स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा। तो भाई ये तो हो चुकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टेयरिंग देख लो, स्टेयरिंग पे आपको लेदर रैप मिल जाता है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है यहाँ पे, महिंद्रा का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिलेंगे। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड के लिए भी है, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट है, ये मीटर के सेटिंग्स के लिए है। महिंद्रा का न्यू वाला लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं हमें। यहाँ ग्लोसी ग्रे और ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, अच्छा रैप किया हुआ है स्टीयरिंग ऊपर। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे, मीटर कुछ इस तरह का दिया गया इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, ऑन कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑन होगा, ठीक है। ये आरपीएम्स है, यहाँ स्पीड मीटर है, बीच में एमआईडी मिल जाएगी जिसमें आपको सीट बेल्ट वगैरह की सारे नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। और सेटिंग्स की बात करें, इसमें चेक टायर डायरेक्शन कर सकते हैं आप, चेक डायरेक्शन के साथ साथ ये इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ फ्यूल गेज दिया हुआ है, और क्या मिल जाता है इसमें, टीपीएमएस मिल जाएगा, टायर प्रेशर देख सकते हैं यहाँ से आप, टायर प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे हाँ टीपीएमएस है। अच्छा, जो ये अलग अलग आ रहे हैं, ये टेम्परेचर आ रहा है और यहाँ एयर प्रेशर आ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग शो करेगा। और जो स्पेयर व्हील है उसमें कोई आपको सेंसर पॉइंट नहीं किया गया टीपीएमएस के लिए। यहाँ सेटिंग्स दी गई है, यहाँ स्टेयरिंग कंट्रोल्स दिए हुए हैं कुछ, ये फ्यूल के लिए, ये आपका किलोमीटर स्पीड वगैरह यहाँ दिखेगी आपको, तो कुछ इस तरह का मीटर दिया गया। ये स्पीड मीटर 180 टॉप स्पीड दी गई है। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे, ए पिलर्स पे कुछ इस तरह से, डैशबोर्ड व्यू आएगा, बोनट व्यू आएगा। अच्छा, इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी दिया गया। यहाँ 10.5 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, 8 स्पीकर के साथ, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीजें वायरलेस मिलेगी, और वायर से कनेक्ट करके भी आप लोग चला सकते हैं। और इसमें टच वगैरह देखोगे तो काफी अच्छा काम करता है। पावर टॉर्क वगैरह भी यहाँ पे दिखाएगा, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, तो वायरलेस चार्जर का नोटिफिकेशन भी आ रहा है यहाँ पे। ये होम बटन है, यहाँ से आप इसकी ऐप खोल सकते हैं, मीडिया सेटिंग, फ्यूल इन्फो, रेडियो वगैरह, रिवर्स कैमरा भी ऑन करके देख सकते हैं ड्राइव टाइम पे भी, और ओवर मैनुअल साउंड वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। नीचे फिजिकल बटन्स दिए गए इस जगह पे म्यूजिक सिस्टम के, 2 एसी वेंट, सराउंडिंग ब्लैक और गार्निश ट्रीटमेंट भी दिया गया है। वही राउंड में एसी वेंट्स हैं जैसे हमें थार में मिलते आ रहे हैं। यहाँ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स के, मतलब मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये आपको पैसेंजर एयरबैग का बताएगा, फ्रंट को ड्राइवर का, ये एयरबैग ऑन है या ऑफ है, ये हजार लाइट के लिए, ये ड्राइव मोड्स के लिए। ड्राइव मोड इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है, जिप, स्नो, मड एंड सैंड, ठीक है, ये जिप मड आ गया, फिर से प्रेस करेंगे, मड मोड एक्टिवेटेड, जिप, स्नो, सैंड और मड, ये ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ टाइप सी चार्जर है, यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, टाइप सी है, मोबाइल चार्ज करने के लिए, मैं चार्जर बोल गया, यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा हमें, ऑटोमेटिक के अंदर 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स दिए हुए हैं, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी स्टोरेज दी गई है, ये वाला ड्राइवर वाला स्लाइड हो जाएगा, को ड्राइवर वाला स्लाइड नहीं होगा। छोटा सा ग्लोव बॉक्स मिलेगा जैसा हमें थार में मिलता है। यहाँ पे बैजिंग की हुई है महिंद्रा की द्वारा से, ऊपर सनग्लास होल्डर है, फ्रेमलेस आईआरवीएम्स दिए गए वेरियंट के अंदर, यहाँ रीडिंग लाइट्स मिलेंगी व्हाइट, यहाँ सनरूफ के कंट्रोल्स है इस जगह पे, ये शेड आपको मैनुअली खोलना होगा इस तरह से, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ माइक्रोफोन दिया हुआ है, स्पीकर्स भी इसमें ऊपर प्लेस किए गए हैं, यहाँ वेंटी मिरर है सनवाइजर के अंदर, और इस साइड देखोगे तो यहाँ टिकट होल्डर प्लेस किया गया, यहाँ भी स्पीकर है, जैसे कि हमें महिंद्रा स्कॉर्पियन में स्पीकर्स मिल जाते हैं सेम उसी तरीके से स्पीकर्स यहाँ दिए गए, ऐसे ही देखोगे आप पीछे भी रूफ पे 2 स्पीकर्स इसमें दिए गए, और यहाँ ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, बाकी को ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल है, और तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है, सनवाइजर्स आपको दिखा चुका। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है
ये फ्यूल कैप खोलने के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये लाइट्स ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल है इस जगह पे, और ये आइडल ऑन ऑफ, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, एसी वेंट, सराउंडिंग सिल्वर और गार्निश ट्रीटमेंट दिया गया है, नीचे स्पीकर है इस जगह पे, वहां भी स्पीकर है, ठीक है, ग्लोव बॉक्स के बगल में, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे दिया गया है, थार में, थार रॉक्स में जब इन्होंने लॉन्च करा तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दिया गया, बाकी बोनट खोलने के लिए यही मिलेगा आपको, ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल का, ये ऑटोमेटिक है, चारों पावर विंडोज दी गई है यहाँ पे, ये ORBM एडजस्ट करने के लिए है, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, थार की बैजिंग, ये एसेसरीज का पार्ट है जो कर्टन आप देख रहे हो, बाकी ये सनरूफ खुलेगा इलेक्ट्रिकली आपका, इससे पैनारोमिक नहीं मिलेगा, इसमें नॉर्मल सनरूफ दिया गया है, ठीक है, ये तो हो चुका पूरा फ्रंट कवर, यहाँ भी जगह मिल जाती है, वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है डोर पे नीचे, यहाँ आप पेपर वगैरह भी रख सकते हैं और वाटर बॉटल की जगह भी दी हुई है इस जगह पे, इसका एसेसरीज मोड कर देते हैं ऑफ और आ जाते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे, अब यहाँ जैसे इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे वही ब्लैक और वेज कलर के अंदर पूरा डुअल टोन में इंटीरियर है, यहाँ थार की बैजिंग, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, वाटर बॉटल स्पेस, ग्लास अप डाउन करने के लिए, यहाँ 32 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 का कॉम्बिनेशन है, सीट आप यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं, आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है विद 2 कप होल्डर, यहाँ एसी वेंट्स है, नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है सेकंड रो के लिए भी, और लाइट दोनों तरफ मिल जाएगी, यहाँ भी लाइट दी गई है, व्हाइट लाइट दी गई है दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स के साथ, बाकी कंफर्ट तो भाई गाड़ी में है, कुछ व्हील आर्च की वजह से बता रहे थे बट एंट्री में दिक्कत नहीं होने वाली, वहीं इसका बूट स्पेस खोलेंगे, बूट स्पेस सेम है, बूट स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, पहले गेट खुलेगा उसके बाद ये खुलेगा, बट इसमें पार्सल ट्रे लगाई गई है जो कि एसेसरीज का पार्ट है, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो और खोल के रखना चाहो वो भी रख सकते हो, और बूट स्पेस आपका ये रहेगा, इसके अंदर लाइट वगैरह तो नहीं दी गई, ठीक है, बाकी बूट स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा, ये पार्सल ट्रे लगा दी गई है इसमें, वही बात करूं भाई इंजन की, तो इसमें 2.2 लीटर का डीजल M-HOG टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है हमें, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 150 bhp की, टॉर्क जनरेट करता है 330 न्यूटन मीटर्स का, बाकी कंपनी माइलेज ऑटोमेटिक में 15.21 किलोमीटर पर लीटर डीजल कर रही है ERI के अकॉर्डिंग, बाकी ड्राइविंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसी माइलेज ले पाते हो, तो भाई ये था न्यूली लॉन्च महिंद्रा थार रॉक्स MX5 4x2 ऑटोमेटिक का इंटीरियर, एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, गाड़ी को लेके आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।